Hello students, this is your new topic, the Deccan School of Painting. इसको डेक्कन भी बोलते हैं और दक्कनी भी बोलते हैं. डेक्कन का मीनिंग है साउथ साइड. तो जैसे मुगल पेंटिंग हमने की थी, मुगल पे पर्शियन का इन्फ्लुएंस देखा गया था एंड डेक्कन पे जो हमने देखना है मुगल का इन्फ्लुएंस देखना है. वहाँ के जो आर्टिस्ट थे, वो जो लास्ट मुगल एम्परर था औरंगजेब, उससे तंग आकर वो साउथ की तरफ चले गए थे. साउथ के कई अलग अलग प्लेसेस पर जाकर उन्होंने शरण ली थी एंड वहीं पे उन्होंने जो अपनी आर्ट थी वहीं पे स्टार्ट की थी. वहीं पे उन्होंने न्यू टेक्निक, जो भी न्यू वर्क किया था वहाँ पे उन्होंने डेवलप किया था. तो लेट्स स्टार्ट. द डेक्कन स्कूल, और इसको दक्कनी स्कूल भी बोलते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1560 से लेके 1800 AD तक है. द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अर्ली स्टाइल ऑफ डेक्कनी पेंटिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय सेवरल मुगल पेंटर्स हु माइग्रेट टू द डेक्कन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब एंड साउथ पैट्रोनाइज देयर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द डेक्कनेट, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद एंड तंजौर. यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो अर्ली स्टाइल की डेक्कनी की पेंटिंग थी उस पर मुगल का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी था. मतलब कि जो डेक्कन साइड में जितना भी पहले वर्क होता था उस पर पहले से मुगल का इन्फ्लुएंस था. एंड औरंगजेब के टाइम में कई मुगल पेंटर्स थे जो है ना, वो उसके जुल्मों से तंग आकर ना, मतलब वो जो भी उनको तंग करता था उससे तंग आकर उन्होंने डेक्कन में जाके शरण ली. और कुछ जो पेंटर थे वो औरंगजेब से भाग डरकर, जो कुछ जो पेंटर थे वो हिल स्टेशन पर भी चले गए थे. वहीं पर उन्होंने क्या था, वेरियस स्टाइल की पेंटिंग को डेवलप किया. ये जो पेंटिंग उन्होंने बनाई थी ये साउथ एरिया में डेवलप हुई थी, जिसमें से एक अहमदनगर में हुई थी, बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद एंड तंजौर. ये साउथ साइड के ही एरियाज है, यहीं पे उन्होंने पेंटिंग डेवलप की थी. ऑल्दो नो प्री मुगल मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम द डेक्कन आर सो फॉर नाउ टू एग्जिस्ट, येट इट कैन सेफली बी प्रिस्यूम्ड दैट सोफिस्टिकेटेड स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लरिश देयर, मेकिंग ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द मुगल स्टाइल इन नॉर्थ इंडिया. अर्ली सेंटर्स ऑफ पेंटिंग इन द डेक्कन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी बट अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा इन द डेक्कनी पेंटिंग ऑफ मुगल स्टाइल कॉन्टिन्यूड to develop independently in the beginning. However, later in the 17th and 18th century, it was interestingly influenced by the Mughal style. Deccan school में क्या था कि हम Deccan school में Persian का effect और Persian की technique देख सकते हैं. वो कैसे, क्योंकि जो हमने पीछे Mughal school किया था उस पर पर्शियन इन्फ्लुएंस देखा गया था और औरंगजेब के टाइम में वहीं के आर्टिस्ट भाग कर डेक्कन आ गए थे. इसलिए यहाँ की पेंटिंग पर भी पर्शियन टेक्निक को देख सकते हैं, कोज ये पेंटिंग मुगल से ओरिजिनेटेड हुई थी. सो मुगल वाली जो पेंटिंग थी वो पर्शियन से इन्फ्लुएंस थी, इसलिए यहाँ पे पर्शियन का भी थोड़ा सा मिक्सअप देख सकते हैं. डेक्कन से पहले जो प्री मुगल मिनिएचर का पेंटिंग का कोई एग्जिस्ट नहीं था, पर फिर भी यहाँ पे कई स्कूल फ्लरिश हुए जिसमें नॉर्थ इंडिया में मुगल स्टाइल की डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हुआ. मतलब नॉर्थ इंडिया में भी मुगल स्टाइल ने काफी योगदान दिया 16th और 17th सेंचुरी के दौरान. डेक्कन पेंटिंग के अर्ली सेंटर्स जो थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये मेन सेंटर थे. डेक्कन पेंटिंग में मुगल स्टाइल की जो पेंटिंग शुरू में इंडिपेंडेंटली डेवलप होती रही, लेकिन 17th एंड 18th सेंचुरी में ये मुगल स्टाइल से इन्फ्लुएंस था. इसमें जितने भी पेंटिंग्स बनी उसमें जो कलर्स होते थे वो काफ़ी ब्राइट एंड थिक कलर यूज़ करते थे. मोस्टली वो गोल्डन कलर यूज़ करते थे फॉर द आर्किटेक्चर के लिए एंड जो कॉस्ट्यूम डालते थे उस पर डिज़ाइन डालने के लिए एंड जो ज्वेलरी होती थी उस पर भी वो गोल्डन कलर यूज़ करते थे. एंड जो इसमें जो पेंटिंग बनी है उसकी जो आउटलाइन थी, जो ड्राइंग थी, वो बोल्ड लाइन से ही हुई है. अब इसके जो है सब स्कूल आ गए, इसमें टोटल 5 सब स्कूल है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद एंड तंजौर. फर्स्ट इज अहमदनगर.
The earliest example of the Ahmednagar painting are contained in a volume of poem written in praise of Hussain Nizam Shahi I of Ahmednagar 1553 to 1565 and his queen. This manuscript, known as the Tarif in Hussain Shahi, assigned to the period 1565 to 69, is preserved in the Bharat Itihas Samshodhak Mandala, Pune. यहाँ उन्होंने बताया है कि अहमदनगर पेंटिंग के अर्लीस्ट एग्जाम्पल में जो अहमदनगर के किंग एंड उसकी जो क्वीन थी हुसैन निज़ाम शाही फर्स्ट, यहाँ पे उन्होंने नेम बताया है, हैं इसके प्रहेज पर बनाई गई एक पोइम है इस इलस्ट्रेशन को, मतलब इस बुक को तारिफ इन हुसैन शाही के नेम से जाना जाता है, जिसे 1569 के टाइम में साइन किया गया था। इसकी जो लोकेशन है, मतलब आज के टाइम में कहाँ पड़ी है, वो है भारत इतिहास संशोधक मंडला पूना में ये बुक जो है पड़ी है। One of the illustrations depict the king sitting on the throne and attended by a number of women. The female appearing in the painting belong to the northern tradition of Malwa. The choli and long pigtails braided and ending in a tassels are the northern costume, but the long scarf passing around the body is in the southern fashion. यहाँ पे उन्होंने एक इलस्ट्रेशन में एक एग्जाम्पल दी है कि एक इलस्ट्रेशन में किंग को थ्रोन पर सीटेड दिखाया, मतलब इसमें एक किंग है जो अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है, उसके पास बहुत सारी वुमेन्स है, जो पेंटिंग में जो भी पेंटिंग में फीमेल बनाई हुई है वो मालवा के नॉर्थन ट्रेडिशन से बिलोंग करती है। उन्होंने चोली पहनी हुई है, घाघरान चोली पहनी हुई है, चोली और लॉन्ग पिगटेल ब्रेड एंड एंडिंग इन द टैसल, ये नॉर्थन कॉस्ट्यूम है, बट जो लॉन्ग स्कार्फ उन्होंने गले में ली है जिसको बॉडी पर लेते हैं लाइक दुपट्टा, वो जो फैशन था वो साउथर्न था, मतलब साउथ साइड में स्कार्फ जो थे लेते ही थे ये, इनका जो कॉस्ट्यूम था वो साउथ साइड का ही था। The colors used in the painting being rich and brilliant are different from those used in the northern painting. The Persian influence can be seen in the high horizon, golden sky and the landscape. Northern painting में क्या था कि जो color use होते थे उसके opposite, यहाँ पे मतलब कि पीछे मुगल पड़ा है ना, तो वो नॉर्थन हो गया, ये डेक्कन है, ये साउथ वाला साइड हो गया। जो नॉर्थन पेंटिंग में, नॉर्थ साइड की पेंटिंग में जो कलर होते थे उसके ऑपोजिट यहाँ पे कलर्स जो थे रिच एंड ब्रिलियंट कलर यूज होते थे। पर्शियन इन्फ्लुएंस को हाई होरिजन गोल्डन स्काई एंड लैंडस्केप में भी देखा गया है, मतलब जो यहाँ पे पेंटिंग बनती थी डेक्कन में, यहाँ पे जो पर्शियन इन्फ्लुएंस था, पर्शियन का प्रभाव जो दिखा है वो हाई होरिजन में, और वो गोल्डन स्काई जैसे बनाते थे उस पे एंड जो भी लैंडस्केप बनता था इन सब पे पर्शियन का इफेक्ट देखा गया है। जैसे लैंडस्केप में माउंटेन्स वगैरह बनाते थे ना, तो उसमें काफ़ी पर्शियन इफेक्ट देखा गया है। Some other fine examples of the Ahmednagar painting are the Hindola Raga of about 1590 AD and portrait of Buran Nizam Shah II of Ahmednagar 1591 to 1596 AD and of Malik Amber of about 1605 AD existing in the National Museum New Delhi and the other museum. इस स्कूल की जो प्राइम एग्जाम्पल उन्होंने बताई है, एक पेंटिंग है जिसका नेम है हिंडोला रागा, ये बहुत फेमस पेंटिंग थी, 1590 में ये पेंट हुई थी, एंड पोर्ट्रेट जो एक बना था जिसका नाम है भूरन निज़ाम शाह सेकंड, ये अहमदनगर का पोर्ट्रेट था, 1591 टू 1596 में ये पेंट हुआ था। और इसके अलावा मलिक अंबर ये जो था 1605 था, ये पेंटिंग्स के इन्होंने नेम बताए हैं जो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में पड़े हैं, और इसके अलावा ये बहुत इसकी जो कॉपीज जो भी बनी थी वो दूसरे म्यूजियम में भी हैं। इसमें जो ड्राइंग होती थी
वो बोल्ड ड्राइंग होती थी जो फिगर्स, इसमें फिगर जो बनी हुई है वो इलोंगेटेड फेस है। तो ये फर्स्ट सब स्कूल हो गया, सेकंड इज बीजापुर, सेकंड इज बीजापुर। इन बीजापुर पेंटिंग वाज पैटर्नाइज बाय अली अदिल शाह फर्स्ट 1558 टू 80 AD एंड हिज सक्सेसर इब्राहिम सेकंड 1582 टू 60 27 AD। एंड इंसाइक्लोपीडिया नाउन एज द नाजुम उल उलम स्टार्स ऑफ साइंस प्रिजर्व इन द चेस्टर ब्यूटी लाइब्रेरी डब्लिन वाज इलस्ट्रेटेड इन 1570 AD। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो बीजापुर की जितनी भी पेंटिंग थी वो अली अदिल शाह फर्स्ट एंड जो उसका सक्सेसर था इब्राहिम सेकंड के टाइम के द्वारा बनाई गई थी, उन्हीं के टाइम में बनी थी। इंसाइक्लोपीडिया में इसको नाजुम उल उलाम भी कहते हैं। ये जो पेंटिंग थी ये चेस्टर ब्यूटी लाइब्रेरी, ये एक म्यूजियम है डब्लिन में, ये इलस्ट्रेट की गई थी 1570 AD में। In the reign of Ali Adil Shah, first the manuscript contained 1876 miniatures. ये अली अदिल शाह फर्स्ट के टाइम में पेंट हुई थी, पेंट हुई मैन्यूस्क्रिप्ट बुक है जिसमें 876 miniatures पेंटिंग्स जो है वो पेंट की गई थी। The ladies appearing in the illustrations are tall and slender and are wearing the साउथ इंडियन ड्रेस। इसमें जो लेडीज इस पेंटिंग में इन पेंटिंग में जो लेडीज की फिगर दिखाई गई है वो काफी टॉल एंड स्लेंडर शेप की दिखाई गई है। इन्होंने जो भी ड्रेस डाली है वो साउथ इंडियन ड्रेस है। वन ऑफ द मिनिएचर इलस्ट्रेटेड हर हेयर शो द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी। एक मिनिएचर पेंटिंग में से थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी शो करता है। देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ द लिपाक्षी म्यूरल पेंटिंग ऑन द फीमेल डिपिक्शन ऑफ द रिच कलर स्कीम द पाम ट्री एनिमल्स मैन एंड वुमेन आर बिलोंग टू द डेक्नी ट्रेडिशन द प्रोफ्यूज यूज ऑफ गोल्डन कलर सम फ्लावरिंग प्लांट एंड अराबेकस ऑन द टॉप ऑफ द थ्रोन आर डिराइव्ड फ्रॉम पर्शियन ट्रेडिशन। इस पे उन्होंने बताया कि लिपाक्षी म्यूरल पेंटिंग का इन्फ्लुएंस देखा गया है, मतलब कि ये एक टेक्निक ही थी जो म्यूरल पेंटिंग में यूज होती थी, इसका इन्फ्लुएंस जो है वो स्कूल में देखा गया है। इसमें जो फीमेल थी उनको रिच कलर स्कीम के साथ डिपिक्ट किया है। जो यहाँ पाम ट्री एनिमल मैन एंड वुमेन ये सारे डेक्नी ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। थ्रोन के टॉप पर गोल्डन कलर, कुछ फ्लावर के प्लांट्स और अराबेकस पर पर्शियन ट्रेडिशन का प्रभाव है। यहाँ तक हमारे दो स्कूल हो गए हैं, हमने अहमदनगर और बीजापुर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे बाकी के जो दो स्कूल हैं गोलकोंडा हैदराबाद ये हम करेंगे। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।